किससे करेंगे न्याय की गुहार किससे करेंगे? तो मैं समस्या इस पे तो बात कर रहा हूँ, सत्यनारायण भगवान की कथा थोड़ी सुना रहा हूँ आपको यार। ज्ञापन देने की मैं ज्ञापन दे रहा हूँ, जो ज्ञापन ज्ञापन देना है, जो समस्या है हमारे को याद है वो आपको दे रहे हैं ना, आपको बता रहा है। आपने गिरफ्तारी चार दिन से करी, आपने चार दिन से गिरफ्तारी नहीं करी सर, किस मुंह से बात करें हम आपसे, ये बताओ। हमको तो स्पष्ट दिख रहा है कि आप हमसे भेदभाव कर रहे हो, हमारे लोग मार खा रहे हैं, हमारी बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकती और लोग गिरफ्तार भी नहीं हो रहे मारने वाले, खुल रहे हैं, खुले घूम रहे हैं, लड़ने लेके घूम रहे हैं, हम कैसे करेंगे? आप ये गांव में जाएंगे बोले लड़ने गांव में नहीं आएंगे, शादी कराएंगे, और बच्चों को खुले आम धमकी दे रहे हैं कि उठा के ले जाएंगे। हमारी पीड़ा है, हमारी पीड़ा है सर, हम आपसे कोई दादागिरी गुंडागिरी करने नहीं आए हैं, हमारी महिलाओं हमारी बच्चियों के साथ बदतमीजी हुई है, उनको तत्काल गिरफ्तार कर कौन जिम्मेदार किया जाए, और जो भी आपके कानूनी कायदा में जो उसकी धारा बनती है 12-12, 13-13 टांके उस हिसाब से धारा लगाए। प्राण घातक हमला हुआ सर, थोड़ी बहुत आप ईमानदारी रखो। माना जब आप बोल रहे हो, पूरे सरकारी महकमा बोल रहा है, शासन प्रशासन बोल रहे हैं, सत्ता के लोग बोल रहे हैं कि भैया बेटियों को पढ़ाओ, तो इस तरह से पढ़ाने हम पहुंचाएंगे और परिवारजनों को इस तरह से मारपीट की जाएगी, जानलेवा हमले किए जाएंगे। 12 से 15 टांके हर व्यक्ति को आए हुए हैं, 4 लोग वहां पर भर्ती हैं, और उसके बाद इनके परिवार वालों पर आपने झूठी FIR दर्ज कर दी। ये कौन सा न्याय करा सर? इन्होंने तो मारा भी नहीं है और इनके ऊपर FIR कर दी, ये कौन सा तरीका है सर? नहीं नहीं, ये कैसे ठीक है सर? सर ये कौन सा तरीका है? क्या मतलब आज भी क्या हम मतलब पढ़ना छोड़ दें, हमारे बच्चों को पढ़ाना छोड़ दें, और गांव में जाने के लिए भी धमकी दी गई है कि गांव में आए तो मार डालेंगे, और अभी मार डालेंगे, जब उनको 12-12, 13-13 टाके आए तो मार भी सकते हैं लोग। ये आपको देखना पड़ेगा, तो मर्यादा में आपको देखना पड़ेगा इनके ऊपर FIR कैसे कर दिया? इलाज कैसे होगा भाई? एक तो मार भी खाई और FIR भी, FIR कैसे कर दिया आपने इनके ऊपर? कहाँ कंप्लेंट कर दिया रहे उनको? हाँ अरे मार खाई है, मारा उन लोगों ने, हाँ लिखी ना, लिखी है ना, मेडिकल हुआ है, तीन तो एडमिट है, पर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई ना सर अभी तक, तो गांव में खुले घूम रहे हैं। जानलेवा हमला हुआ है, आज अभी तक 4 दिन हो गए, एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या हमारी सेक्रेटरी ये प्रणाली ठीक है? ये प्रणाली ठीक है क्या? एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, आप बताइए ना, क्यों नहीं गिरफ्तारी करी आपने? गांव में आने की धमकी थी, गांव में अब आके बता देना, लड़के लेके घूम रहे हैं, अभी खुले में घूम रहे हैं, खाने की बात कर रहे हैं, वीडियो इन्होंने देखा, बोला नाम क्या है जो घूम रहा है गांव में, बच्चे को खाने की बात कर रहे हैं, ये कौन सी मर्यादा है? आपने 4 दिन में क्यों नहीं गिरफ्तारी करी? नहीं गिरफ्तारी क्यों नहीं करी आप? पहले मुझे तो जवाब दे, जब पूरा समाज आपके पास में आया, दलित समाज के मर जाए, सब आत्महत्या कर लें, क्या करें, किसके पास जाए? क्या पाकिस्तान में अफगानिस्तान में मदद मांगेंगे क्या? नहीं ज्यादा नहीं FIR हुई, क्यों नहीं गिरफ्तारी होनी चाहिए? पुलिस प्रशासन धारा भी गलती लगाई है, गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, और आगे जाके ईमानदारी रखो, तरस खाओ हमारे दलितों पे, हम लोगों पे तरस खा लो, कम से कम आपको ऐसा लगना तो चाहिए कि हम भी इंसान है यार, क्या जानवरों का जीवन दिलवा रहे हो? समस्या ये है कि उनकी गिरफ्तारी तत्काल की जाए, क्या दिन हो गए, सारे लोग सुरक्षा भी नहीं दिए इनको, गांव में आने से मना कर दिया, उन्होंने गांव में आएंगे तो हत्या कर देंगे, गलत काम हो गया तो कौन जिम्मेदार रहेगा? आपकी जवाबदारी है, मैं आपसे मैं आया हूँ, इनको सुरक्षा की मांग कर रहा हूँ, वो सब गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी? होगी सुरक्षा, होगी सब चीजें होगी, कब होगी सर? ये तो बताएं कब होगी और गिरफ्तारी हुई क्यों नहीं? ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा गिरफ्तारी नहीं करी सर? कल मौका पे पुलिस गई थी, बाद में चली गई, हमारे पकड़े करते जाओ, वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है सर, वो लोग मार रहे हैं लड़कों से, हमारे लोगों को और हमारे लोगों पे बात कर रहे हो आप, मार खाने वाले ने मार दिया होगी सर।
आप क्या करेंगे पुलिस आके गाँव में मेरी घरवाली को आके बोला सर ये हमारा न्याय नहीं हो रहा गाँव में ये न्याय नहीं हो रहा है आप क्या करोगे अपने जो कर्तव्य है आप उसका तो निर्वहन करो साहब ईमानदारी से आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हो कहाँ जाएंगे न्याय मांगने किससे करेंगे न्याय की गुहार किससे करेंगे तो मैं समस्या पे तो बात कर रहा हूँ सत्यनारायण भगवान की कथा थोड़ी सुना रहा हूँ आपको यार मैं ज्ञापन दे रहा हूँ जो ज्ञापन ज्ञापन देना है जो समस्या है हमारे को याद है वो आपको दे रहे हैं ना आपको बता रहे गिरफ्तारी आपसे बात कर रहे हैं हम आपसे ये बताओ हमको तो स्पष्ट दिख रहा है कि आप हमसे भेदभाव कर रहे हो हमारे लोग मार मार रहे हैं हमारी बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती और लोग गिरफ्तार भी नहीं हो रहे मारने वाले घूम रहे हैं खुले घूम रहे लट ले लेके घूम रहे हैं हम कैसे करेंगे और आप ये गांव में जाएंगे बोले लड़के उठा के ले जाएंगे बच्चों को खुला आम धमकी दे रहे हैं कि उठा के ले जाएंगे हमारी पीड़ा है हमारी पीड़ा है सर हम आपसे कोई दादागिरी गुंडागिरी करने नहीं आए हैं हमारी महिलाओं हमारी बच्चियों के साथ बदतमीजी हुई है इनकी सुरक्षा कौन करेगा बड़ी घटना हो गई तो कौन करेगा तत्काल गिरफ्तार कर कौन जिम्मेदार लिया जाए और जो भी आपके कानूनी कायदा में जो उसकी धारा बनती है 12-12, 13-13 टांके उस हिसाब से धारा लगाया घातक हमला हुआ सर थोड़ी बहुत आप ईमानदारी रखो माना सर हमने इन लोगों को और क्या धारा 323 लगा दी 307 अरे वीडियो जारी हो गया फिर भी इन्वेस्टिगेशन चाहिए वीडियो में मार रहे हैं वो लठो से वीडियो में मार रहे हैं तुमने देखा कि दैनिक भास्कर की खबर है दैनिक भास्कर हिंदुस्तान का बड़ा नामी अखबार है उसकी खबर है वो इतना बड़ा चैनल है उसमें मारते हुए इसमें दिख रहे हैं सर हमको तो उनकी गिरफ्तारी चाहिए और इनकी सुरक्षा चाहिए आज 4 दिन हो गए सर आप कितनी देर में गिरफ्तारी करेंगे आज करो गिरफ्तारी वो लोग की या हम आपसे अरदास लेके आए आपसे प्रार्थना लेके आए लोग आपसे न्याय मांगने आए आप मुझे बताओ कि हम पूरे दलित समाज को क्या आप इतनी देर में गिरफ्तारी करेंगे आरोपियों की आज करो सर 4 दिन हो गए और वो गांव में घूम रहे हैं निवेदन करने आया हूँ मैं इनकी सुरक्षा की चिंता कौन करेगा हम करेंगे कि आप करेंगे जल्दी जल्दी करेंगे जो भी आपको आपकी जो मांग है जो कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी पुलिस द्वारा जल्दी जल्दी सर अगर वो भागते होते लापता होते तो हमको समझ आता है कि तुम नहीं कर सकते गांव में पुलिस क्या कर रही है बताओ आप क्या कर रहे हैं पुलिस का भी मतलब आपके इनके मर्डर हो जाएंगे तब तक की चिंता करेंगे बच्चों के साथ गलत काम होगा जब तक की चिंता करेंगे क्या अपन तो गिरफ्तारी नहीं हुई सर लगी है सर हम अलग अलग नहीं है सर अलग पेट की बात आप अलग हाँ गिरफ्तारी सर हमें आज ही चाहिए गिरफ्तारी अच्छा ईमानदारी से आप एक बात बताइए ये आपको इसमें मारते हुए वो लोग दिख रहे हैं कि नहीं आप सबको दिख रहे हैं मारते हुए दिख रहे हैं और ये बोल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन आज इन लोगों को मारे हुए 4 दिन हो गए अब मैं हम न्याय मांगने कहाँ जाए पाकिस्तान जाए कि अफगानिस्तान जाए यहाँ रहते हैं यहाँ के मूल निवासी या जन्म हुआ या पैदा हुए तो इनसे मांगेगा ना न्याय कहाँ पर जाएंगे हम न्याय मांगने और अगर ये लोगों ने मारा हो तो वीडियो क्या करें स्पष्ट रूप से दिख रहा है सर ये मैंने थोड़ी वीडियो बनाया दैनिक भास्कर की खबर है सर मैंने देख लिया ना वीडियो ये भी आपसे लेंगे वीडियो भी आप तो सर ये बोलो कि 4 तारीख क्यों हो गया गिरफ्तारी की बात करो ना आप तो सर करेंगे जो हाँ बढ़ाने की बात धारा बढ़ेगी और इनको सुरक्षा चाहिए सर इनको सुरक्षा भी चाहिए आप तो ये जवाब दो सर कि 4 दिन हो गए आप क्या कर रहे हैं व्हाट यू पीपल आर डूइंग आपने अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की दे आर पुअर एंड इनोसेंट पर्सन
बोले जाओ क्या बोलेंगे नहीं सर, चार दिन हो गए वो खुले घूम रहे हैं और आप पकड़ नहीं रहे हो उनको। सर लोग थाने में आने में गरीब लोग डरते हैं कि एफआईआर रिपोर्ट नहीं होती उन लोगों की, जो भी मदद है उनकी गिरफ्तारी चाहिए, गिरफ्तारी तो आज ही चाहिए, तत्काल गिरफ्तारी चाहिए और इनकी सुरक्षा चाहिए इन बच्चों के साथ। अगर बघेल साहब इन बच्चों के साथ कुछ भी हुआ तो आप जिम्मेदार रहेंगे फिर। सुरक्षा अगर आपको चाहिए इन बच्चों की, इनके परिवार की, और उनकी गिरफ्तारी चाहिए, गिरफ्तारी चाहिए सर। इन बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ तो साहब आप जिम्मेदार हो गए, हम तो समाज आपको बोलेंगे, हम तो बिल्कुल हाँ आप ही जिम्मेदार रहोगे क्योंकि आपने अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करी है। ये आपकी लापरवाही है साहब, ये लापरवाही है आपकी, इसको आपको स्वीकार करना है। लापरवाही साबित करना आप ही, हम इन्वेस्टिगेशन लीगल कर रहे हैं। अरे तो सर लट मारते हुए दिख रहे हैं, क्या कर रहे हो सर, क्या किसी वक्त पकड़ के लाना चाहिए। किसको ऊपर वालों को दिखाओगे कि नहीं यार, कि यहाँ पर ही सब लोगों के दबाव में आके काम करोगे। ऐसे कौन राजनेता का फोन आ गया बताओ ना हमें, ऐसे कौन नेता का फोन आया आपके पास, तो मैं बात करता हूँ उनसे। तो फिर क्यों घबरा रहे हो, क्यों डर रहे हो, क्यों डर रहे हो आखिर, आप किससे डर रहे हो, आप क्यों नहीं हमें गरीबों का साथ क्यों नहीं दे रहे हो, फरियादों का साथ नहीं दोगे, आरोपियों का साथ दोगे, साहब कैसे काम चलेगा, आप कैसे प्रणाली चलाओगे आप। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ यहाँ खड़ा हुआ है, कुछ जवाब तो दो कि चार दिन में गिरफ्तारी क्यों नहीं करी इन्होंने यार, और लापरवाही बोल रहे हैं। और उसके बाद लोगों पे दारू रख रहे हैं यार, दारू रख रहे हैं वहाँ पर, बेटी रख रहे हैं तुम है? खुद तो समझो यार, ये गरीब लोग बोले तुमसे लड़ेंगे उनसे लड़ेंगे क्या करेंगे। घर पे दारू रख दे यार बघेल साहब, ये बताओ साहब, ये देखो इनके घर पे दारू रख दी, इसका क्या कौन जवाब देगा, उनके पास दारू कहाँ से आई, दारू का धंधा वो खुद करते हैं। पन्नी का दारू बात कर ले सर, मेरी बात समाज यहाँ खड़ा है ना, पट्टे दिखाए हमारे को फोड़ देंगे, इनके घर पे दारू रखी है, इनके घर पे दारू रखी है, आंखों से देखी हुई बच्ची बोल रही है। उसके बाद नाम भी बताइए, नाम क्या है, माखन कुंदन और दरबार दारू भी रखी हुई है। अब साहब ऐसे कैसे काम चलेगा, हमारे लोग मार भी खाए, मार भी खाए, भर्ती भी हो जाए, और ऊपर से दबाए तो कैसे लोगों कि हमारे से प्रेशर है ऊपर। सर कट्टा दिखाया हमने, कट्टा के लाइसेंस नहीं है इनके पास, कि भाई प्रेशर की वजह से हम काम नहीं कर रहे हैं। ये बच्चों के साथ में अगर कुछ भी हुआ साहब आप जिम्मेदार हो गए, इतना ध्यान रखना इस बात। हाँ आप सब देख लो, बघेल साहब हैं, अगर इस बच्चियों के साथ कुछ होता है तो फिर बघेल साहब जिम्मेदार रहे, किसी भी परिवार के क्योंकि इनसे अपन सुरक्षा मांग रहे हैं। आप सब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, आपके सामने मैं एडिशनल साहब से मदद मांग रहा हूँ कि चार दिन हो गए हमारे व्यक्तियों को मारे हुए, चार दिन से अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, साहब इन्वेस्टिगेशन का बोल रहे हैं, जो कि दैनिक भास्कर में स्पष्ट रूप से वीडियो में मारते हुए बताया गया, उसके बावजूद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, और इन्वेस्टिगेशन का बोल रहे हैं, इनकी सुरक्षा भी नहीं दे रहे हैं, और इन पर भविष्य में होने वाले प्राणघातक हमले की जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे, बाकी पूरा समाज यहाँ पर मौजूद है, और पूरा समाज कहाँ जाएंगे, अच्छा ये बता दो आप, तो हमें किससे मदद मांगे, तो गिरफ्तारी का क्यों नहीं बोल रहा हूँ, कि अभी कर रहा हूँ एक घंटे में दो घंटे में, क्यों नहीं बोल रहा हूँ आप बताओ ना, कब करोगे आप, ये समाज के सामने बोल दो ना कि मैं दो घंटे में कर रहा हूँ। अरे वो तो गांव में ही है साहब, एक अर्थ तो बताओ, मीनिंग तो बता दो साहब, कि दो घंटे चार घंटे आठ घंटे मुझे बता दो, टीम चली जाएगी, नहीं जाके आना नहीं है, टीम को गिरफ्तार करके लाना है, गिरफ्तारी तो चाहिए साहब, नहीं तो है ना, मेरी बात सुनो, मैं आपको बोल के जरा 24 घंटे के अंदर आप गिरफ्तार कर देना, नहीं तो यही आके चक्का जाम हम यही करेंगे, आपको हम पे केस लगाना है लगा लेना, बाकी यही सारा दलित समाज चक्का जाम करेगा, वो जिम्मेदार आप हो, इस बच्चों को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आप जानबूझ के कर रहे हो, जानबूझ के गिरफ्तार कर रहे हो, आपके ऊपर राजनीतिक प्रेशर है, प्रेशर है हाँ, इसलिए गिरफ्तारी नहीं कर रहे हो। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ चार दिन में गिरफ्तारी नहीं, गिरफ्तारी क्यों नहीं करी आप बता दो, मैं तो राजनीति पुलिस अधिकारी हूँ, मैं तो आप बताओ, चार दिन हो गए बच्चों के अपराध, बच्चों का अपराध करे, आपकी बात सुन रहा हूँ, आपने गिरफ्तार नहीं करा, चार दिन हो गए सर, सुनना पड़ेगा 10 बार, सुनने के लिए बैठे हो आप, सुनने के लिए बैठा हूँ, इसीलिए बात कर रहा हूँ आपसे, गिरफ्तारी का क्यों नहीं बात कर रहे हैं,
करेंगे गिरफ्तार? आप बताओ कैसे करेंगे? क्या कोई मुहूर्त निकालेंगे पंडित को बुलवा के? जब तक चार बारह बारह टाके मर जाएगा ना इंसान, मार दोगे जब उसके बाद करोगे क्या? उसके बाद भी नहीं होगी सर। आई एम थिंकिंग यू आर फ्रॉम अपसाइड, दैट्स व्हाई यू आर नॉट डूइंग दिस। है ना सर? ज्ञापन दो मुन्ना जी। मैं सही बोली कि नहीं? अंदर जाके दो, बैठ के दो, अंदर बैठ के बात करके जाओ। अंदर 100% यू आर हैविंग प्रेशर फ्रॉम अपसाइड साइन। सर गिरफ्तार 24 घंटे में चाहिए हैं, कोई सुरक्षा चाहिए इन लोगों की, सभी को परिवार की। और स्कूल जाए लड़कियां, दोनों की सुनिए, हमें बोल रहे कि तुम आओ, इनकी सुनिए तो सही, इनकी सुन तो लो, बोलिए बता क्या बताना चाहिए। हम आपको धमकी दे रहे हैं कि तुम आओ गांव में, अभी तक ज्यादा कुछ नहीं करा था लेकिन आप करेंगे, तुम्हें घर से उठा लाएंगे आप, तुम और गांव में और नहीं आने दे रहे हैं हमें, गांव में ही आने दे रहे हैं। हम 4 दिन से साझा आगे बात सर, आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? कार्रवाई कराइए जो भी कचमाड़ी घटना नहीं सर, उनकी लड़कियां पढ़ती थी सर, अब उनकी लड़की भाग गई तो क्या ये लड़कियों का दोष है? तो बोले हमारी लड़कियां नहीं पढ़ेगी तो इनको भी नहीं पढ़ने दे रहा है, तो ये काका हुआ? आपके ऊपर कोई प्रेशर है तो उसको हैं आपकी कानून उतार रहे हैं हमारे ही बच्चे, तो आप सोचो वो स्कूल जा रही है और वो मार रहे हैं परिवार वाले, ये सही है क्या? बोला है अच्छी बात है, तो फिर अपने को गिरफ्तारी करना, इनकी जान की और इज्जत की जवाबदारी आपकी है। और अनोप सिंह ऐसा गाल देता है, बेइज्जत से गाल देता है। सचिन सिंह डेडी बोलते हैं, यूं बोलते डेडी है, उन्होंने जाओ जाओगे स्कूल बोले। ये सब तो बोलते हैं वो लोग, आपने तो कब से पकड़ लेना था उनको, 4 दिन कर दिया आपने। भाई साहब जाने का इंतजार कर रहे थे, थोड़ा सा आप लोग अरे इधर सर ना, थोड़ा थोड़ा अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।